प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह का यह तीसरा शपथ ग्रहण समारोह है। राजनाथ सिंह ने मंत्री पद की शपथ ले ली। अब राजनाथ सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा यह आने वाले कुछ ही समय में पता चल जाएगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह का ये तीसरा शपथ ग्रहण समारोह है। पिछले 10 वर्षों में जहां पहले 5 साल वो देश के गृह मंत्री रहे, वहीं बाद के 5 साल रक्षा मंत्री। आगे कौन सा महकमा मिलेगा ये पता चल जाएगा, लेकिन एक बात जरूर रही है कि बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के नेता रहे तो उपनेता राजनाथ सिंह ही रहे। अब की बार भी लगता है कि ये पद उनको ही मिल सकता है, क्योंकि पीएम मोदी के बाद शपथ लेने के लिए उनकी ही बारी आई। अब की बार इनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शुक्रवार को लोकसभा बीजेपी और एनडीए के नेता पद के लिए पीएम मोदी के नाम का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने ही रखा था। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। मैं अमित अनिल चंद्र शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और चुनावी रणनीति के मास्टर माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोदी सरकार 3.0 में मंत्री पद की शपथ ली। 5 साल पहले जब पीएम मोदी ने इन्हें गृह मंत्री बनाया था तो किसको पता था कि बीजेपी के 2 कोर एजेंडा इसी दौरान पूरे होंगे। अयोध्या में राम मंदिर बना तो जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ। जब राजनाथ ने मोदी का नाम नेता पद के लिए प्रस्तावित किया तो उसका पहला समर्थन अमित शाह ने ही किया। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष। मैं नितिन जयराम गडकरी। राजनाथ सिंह की तरह गडकरी ने भी मोदी सरकार में तीसरी बार शपथ ली, लेकिन इनके साथ खास बात ये रही कि ये एक ही मंत्रालय में लगातार बने रहे और वो मंत्रालय है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। इनके मंत्रालय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए काम से इनकी छवि सबसे तेज काम करने वाले मंत्रियों की बनी। अमित शाह के बाद गडकरी दूसरे नेता थे जिन्होंने नेता पद के लिए मोदी के नाम का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं। मैं जगत प्रकाश नड्डा। पहली मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे और मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोबारा मंत्री पद की शपथ ली है। इनके मंत्री बनने के साथ ये साफ हो गया है कि जल्द ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। ये भी संयोग है कि इस बार बीजेपी की बागडोर संभालने वाले 4 नेता मोदी सरकार में मंत्री बन रहे हैं। 2009 में बीजेपी की हार के बाद पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी बने थे, तो 2014 का लोकसभा चुनाव राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लड़ा गया, जबकि 2019 का चुनाव अमित शाह और 2024 का जेपी नड्डा के अध्यक्ष रहते बीजेपी ने चुनाव जीता। आई सुब्रमण्यम जयशंकर डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। विदेश नीति में पारंगत एस जयशंकर ने दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है। इनके बारे में ये माना जा रहा है कि इनको फिर से विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। आई निर्मला सीतारमन। वही टॉप 4 मंत्रियों में शामिल निर्मला सीतारमन को एक बार फिर मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। मनमोहन सिंह के बाद लगातार 5 साल तक वित्त मंत्री रहने वाली ये दूसरी नेता है। अब सवाल है कि मोदी सरकार जब तीसरी बार आई है तो निर्मला के लिए किस मंत्रालय का दरवाजा खुलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।